कंटीन्यूअसली जरा ऑर्गेनाइज क्राइम डिस्ट्रिक्ट दे विच या किते और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से या कोई इंटर स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है उन्हें उसी काबू करने वास्ते पीछे भी एक वेपन्स और जड़े बंदे इलीगल वेपन के पोजेशन दे विच हैं उन्होंने खिलाफ एक मुहिम चलाते रहे हैं। पिछे भी असं फगवाड़े दे विच दो वेपन राउंड मतलब रिकवर किए थे, उसके बाद कपूरथला दे विच असी 8 वेपन उत्थे भी रिकवर किए थे। हुण आज उही मुहिम नूं कंटिन्यू करते हुए असी फगवाड़े में एक गैंग बस्ट किया होया है। साड़ी टीम ने जो फगवाड़ा की टीम है रुपिंदर भट्टी जसप्रीत सिंह और CIA इंचार्ज दुश्मन इन्होंने टीम ने साढ़े 3 बंदे राउंडअप किए हैं नाल एक गड्डी स्विफ्ट रिकवर की है जिहदा नंबर है 8DB0797। ये बंदे इन्हों के खिलाफ पीछे भी डिफॉल्टर हैं, ये जदों भी जेल तो बाहर आते हैं ये वापस वही क्राइम करते हैं। 3 बंदे हैं सुखवंत सिंह एलियास सुखा, रोशन सिंह पुत्र हर रोशन नाथ अजय कुमार। इन्हों के उपर जो सुखवंत सिंह है ये उपर 13 परचे हैं, 326, 307, 302, 307 मर्डर के भी पर्चे हैं, आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं, लड़ाई झगड़े के पर्चे हैं, प्रिजन एक्ट का भी पर्चा है, मतलब जेल तो भी ये क्राइम मोटिवेट करते रहे हैं। दूजा रोशन सिंह है ये ऊपर भी 13 पर्चे हैं। इसके अलावा अजय कुमार है 2 पर्चे ऐसे कर चुके हैं, तीसरे भी वैसे 3 पर्चे हैं, थर्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल के असं तुम्हें दे देने हैं। 3 पर्चे अजय कुमार के ऊपर हैं। असी 5 पिस्टल 32 बोर, 1 पिस्टल 30 बोर, टोटल राउंड असी किते हुए हैं 16 राउंड। 5 जो पिस्टल है थोड़ी 32 बोर ते 16 राउंड हैंगे, जो 30 बोर है वो 19 राउंड है, 1 देसी कट्टा, ये साड़ी रिकवरी है। ये जिन्हें भी बंदे फर्दर इन्वेस्टिगेशन असी कर रहे हैं जोड़े बंदे जितों ये सारे वेपन जोड़े हैं ये MP चो लेके आते हैं, पर MP से ला के ये तुसी देख ही सकते हो कि जिन्हें पर्चे इन्हों के ऊपर 302 307 के ये वेपन्स का इस्तेमाल उन अपनी जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ नू एग्जीक्यूट करने वास्ते इस्तेमाल करते हैं, भावें एक्सटॉर्शन कॉल हो, मर्डर हो, किसी नू धमकी देना, ये सब सारे इन्हों के कारनामे हैं। तो इस करके असी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे भी जिहड़े बंदे इन्हों के नाल लिंक्ड हैं जिहड़े इन्हों की ट्रेल है कि कितों वैपन लैके आते हैं कितने मैनुफैक्चरिंग होंगी है वो असी वेरीफाई कर रहे हैं, तो फर्दर इनू कंटिन्यू करते हुए फर्दर भी रिकवरी हो सकती है। बेसिकली दे वर ट्रैवलिंग जी असी नाका ला के फड़िया हुआ है, जे दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम मे बी कितने आगे जा रहे होंगे, दैट इज मैटर। गड्डी इन्हां दी सीगी कि हाँ जी सुखवंत की गड्डी हैगी। नहीं मैडम ये जिहड़े जितने भी टोटल क्रिमिनल परसन तुसी फड़े हैं क्या ये किसी बड़ी गैंग दे नाल है या इना दा सेल्फ गैंग कोई इस तरह? ये अपनी सेल्फ गैंग बना लेंदे, एक बंदा जड़ा वेपन लेके आंदा है वो दूसरे नू शामिल कर लेंदा है, फिर वो कहंदा है कि असी तुहानू भी वेपन दिलाना है तू मेरे नाल काम कर, तीजा बंदे दो किसी तीजे के टच में आंदे, तो एक अपना ये छोटा गैंग बना लेंदे है। नाल इना दे नाल होर भी बंदे हैं जो असी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने नामजद करांगे और फर्दर हो सकता है उन्हां तो रिकवरी भी हो सकती है। नहीं इना तो हुण तक इन्वेस्टिगेशन च पता लगा किन्ने ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਮਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ 2019 ਦਾ, ਇਹ 302 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਖਵੰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 302 ਕਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ 2020 ਕਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਮ ਸੈਕਟ ਕੇ ਪਰਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ NDPS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ NDPS ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NDPS ਐਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ, ਰੋਬਰੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ। वो असी देखते हैं कि ये रिहा पे हैं, पेरोल पे हैं या पीओ हैं, वो असी देखते हैं, जो भी सामने आएगी कल उस हिसाब नाल कार्रवाई होगी। तो जेल तो तुझके जेल तो मतलब जिस तरह गैंग चलाते हैं, देखो जेल तो तुसी देख सकते हो, इहदे विच प्रिजन एक्ट का भी पर्चा है, प्रिजन एक्ट के ऊपर पर्चा ताही होंदा है जब तुहाडी कोई एक्टिविटी जेल दो अंदरों पता लगती है पुलिस नूं कि जेल के अंदर से कोई एक्टिविटी ये कर रहे होंगे, तो भावें फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, तो फिर प्रिजन एक्ट के पर्चे फिर पुलिस दर्ज कर दी है। ठीक है।